एंड आपका रेंट कहीं पे भी हो, रेंटर आपको मिल जाएगा घर बैठे बैठे, दिक्कत नहीं है। Hey guys, good morning, my name is Suraj and मैं रेंट रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ, प्लस मैं कोई डीलर नहीं हूँ। मैंने एक वेबसाइट बनाया है rentwalain.com, जहाँ पे मैं रेंट प्रमोट करता हूँ, बशर्ते अगर आप लोग मेरे वेबसाइट में रेंट अपलोड करोगे तो, ठीक है। एंड रेंट ओनर का नंबर पब्लिक हो जाता है मेरे वेबसाइट में। अगर आप लोगों ने मेरे वेबसाइट में अकाउंट नहीं बनाया है तो सबसे पहले तो आपको साइन अप करना होगा एंड देन लॉगिन। अब जैसे ही लॉगिन करोगे मेरे वेबसाइट में, ये वेबसाइट पूरी तरीके से ओपन हो जाएगा एंड आपको अपलोड का बटन टॉप में मिल जाएगा। ये फॉर्म थोड़ा सा बड़ा फॉर्म है ताकि अगर कल का डेट में कोई रेंटर आपका रेंट में जाना चाहेगा तो उनको पूरा क्लियरिटी इस फॉर्म के थ्रू ही मिल जाएगा। सबसे पहले तो आपको अपना नाम लिखना होगा, जैसे कि मेरा नाम सूरज है तो मैं सूरज लिख दूंगा। एंड अगर आप चाहते हो कि आप अपना पूरा नाम लिखें तो पूरा नाम लिख सकते हो। रेंट अमाउंट लिखिएगा जो आपको लेना है। रेंट टाइप में 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK, शेयरिंग, PG, हॉस्टल, लॉज, सभी तरह का ऑप्शन है। लुकिंग फॉर में आप किसके लिए देख रहे हो? अगर आपने रेंट बनाया है तो आप किसी स्पेसिफिक आदमी को ही पहले प्रीफर करोगे, तो जिसको पहले प्रीफर करोगे उसी का नाम यहाँ पे डाल दीजिएगा। फैमिली को देना चाहते हो तो फैमिली के लिए लिख दीजिएगा, कपल को देना चाहते हो तो कपल को लिख दीजिएगा। एंड याद रखिएगा, अगर कोई आप सभी को देना चाहते हो तो ये चीज़ आप डिस्क्रिप्शन में भी लिख सकते हो। प्लीज़ सेलेक्ट में आप ओनर हो कि आप रूम पार्टनर हो कि आप डीलर हो या फिर आप बिल्डर हो, ये सेलेक्ट करके बस भर देना है, दिक्कत नहीं है। स्टेट में स्टेट भर दीजिएगा, झारखंड के हो तो झारखंड, सिटी में रांची, जमशेदपुर, हजारीबाग, खलारी, जहाँ पे भी आपका घर होगा वहाँ का एड्रेस भर दीजिएगा। लोकेशन में आपका रेंट कहाँ पे है, कोई ऐसी जगह का नाम भरिए जिससे कि लोग अगर आपके यहाँ विजिट करना चाह रहे हैं एंड किसी से भी पूछेंगे तो उस जगह के बारे में उनको एड्रेस पता चल जाएगा, वहाँ पे तुरंत पहुँच सकेंगे, उस हिसाब से भरिएगा। स्पेसिफिक लोकेशन में ऐसी जगह का नाम भरिएगा जो कि आपका घर से एकदम नज़दीक हो, कोई ऐसा लैंडमार्क जैसे कोई पोस्ट ऑफिस है तो उस पोस्ट ऑफिस का नाम, कोई बैंक है तो कोई बैंक का नाम, कोई फेमस दुकान है, कोई चाय वाला, कोई भी फेमस वाला, फेमस जिसको आदमी पहचान सके, वहाँ पे तुरंत पहुँच सकेंगे, उस हिसाब से भरिएगा। बेडरूम में आपका कितना बेडरूम है वो भर दीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए अगर आपका लॉज है, एक बेडरूम में आप 2 बेड रख रहे हो तो उस केस में शेयरिंग भर दीजिएगा। नहीं तो अगर ये कोई रूम पार्टनर रेंट अपलोड कर रहा है तो वो भी शेयरिंग भर सकता है, दिक्कत नहीं है। बेडरूम टाइप में बहुत बड़ा आदमी लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है तो उस केस में आप मीडियम भरिएगा। अगर 29 फीट का रूम होता है तो उसे बड़ा कहते हैं एंड 29 फीट का आसपास अगर आपका रूम नहीं होगा तो उसको आप मीडियम कैटेगरी में ही भरिएगा। बाथरूम 1, 2, 3, 4 या फिर शेयरिंग। शेयरिंग का मतलब वही चीज़ होता है कि एक ही बाथरूम है ना, एक ही बाथरूम को 4 लोग यूज़ कर रहे हैं। मान लीजिए अगर आपका फ्लैट है एंड उस फ्लैट में 2 बाथरूम है तब 2 बाथरूम ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक है। बाथरूम टाइप ये जनरली देखिए अटैच्ड फ्लैट के लिए है, बाथरूम अटैच है बेडरूम में, एंड सेपरेट मतलब कि फ्लैट तो है लेकिन बाथरूम अटैच नहीं है बेडरूम के साथ, वो हॉल में अटैच है। एंड बोथ वाला केस में जब कोई भी फ्लैट में 2 बाथरूम होता है तो एक बाथरूम तो जनरली अटैच होता ही है किसी एक बेडरूम से, एंड दूसरा बाथरूम जो हॉल में अटैच रहता है कोई भी गेस्ट के लिए उसको इस कैटेगरी में डाल दीजिएगा, बोथ वाले कैटेगरी में, ठीक है। अब हॉल है कि नहीं वो यहाँ पे खाली सेलेक्ट करना है, बालकनी है कि नहीं उसके लिए भी यहाँ पे दिया हुआ है, किचन अवेलेबल है कि नहीं उसके लिए दिया हुआ है, क्योंकि आजकल क्या होता है ना कि लोग जनरली रूम बना देते हैं एंड एक बाथरूम के लिए बना देते हैं एंड किचन नहीं देते हैं, या फिर रूम बना देते हैं एंड किचन दे देते हैं, हॉल जनरली नहीं होता है, तो उस केस के लिए मैंने ये वाला बनाया है। मैं चाहता हूँ कि अगर कोई रेंट ऑनर ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ यार इन्वर्टर कम से कम प्रोवाइड किया करो, एक बत्ती जो जलने वाला इन्वर्टर रहता है ना वो दे दिया करो, ठीक है, थैंक यू। अब पार्किंग ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार लोग नहीं देते हैं एंड उसका रेट कुछ ज़्यादा मांगते हैं एंड वो चीज़ मुझे जनरली अच्छा नहीं लगता है, तो प्लीज़ अगर आपके यहाँ पार्किंग नहीं है तो उसका रेंट थोड़ा सा कम कर दिया करो। स्पेशली 2-व्हीलर बेड प्रोवाइडेड में अगर आप देते हो तो हाँ कर दीजिए, अगर नहीं देते हो तो नो कर दीजिएगा, दिक्कत नहीं है। टेबल चेयर में भी वही है, इलेक्ट्रिसिटी बिल का भी वही है, इंक्लूडेड रेंट नॉट इंक्लूडेड इन रेंट। अगर कोई रेंटर आपको रेंट दे रहा है एंड उसका बिजली बिल रेंट में इंक्लूड करा हुआ है तो इंक्लूडेड इन रेंट भर दीजिएगा, नहीं तो सेपरेट, यानी कि महीना महीना रेंटर को अलग से बिजली बिल देना होगा, ऐसा उसको यहाँ पर लिख दीजिएगा, उसको पता चल जाएगा।
एडवांस पेमेंट रिक्वायर्ड नॉट रिक्वायर्ड। देखिए जनरली कोई भी फ्लैट वाला होता है तो वो लोग रिक्वायर ही भरता है, लेकिन कोई किसी केस में एकाध रह जाते हैं कि वो नहीं लेते हैं। अच्छी बात है अगर नहीं लेते हैं। ईमेल एड्रेस एंड फोन नंबर ये ऑप्शनल है कि अगर कोई रूम पार्टनर, स्पेशली अगर कोई लड़की यहाँ पे रेंट अपलोड कर रही है एंड वो नहीं चाहती कि वो अपना नंबर पब्लिक करे, तो वो यहाँ पे अपना ईमेल आईडी भर सकती है, ठीक है। एंड ईमेल आईडी के थ्रू बात करने के बाद अगर उधर से कोई जेन्यून आदमी या फिर कोई लड़की उनको मिलती है तो फिर वो उसे मतलब दिखा सकती है कि ऐसा ऐसा रूम है एंड देन यू कैन शिफ्ट हियर, कोई दिक्कत ही नहीं, आप रेंट ओनर हो। तो मैं तो बोलूँगा कि यार फ़ोन नंबर वाला जो ब्रैकेट है ना, इसमें अपना नंबर भर दीजिए। ऐसे में क्या होगा ना कि आपका नंबर अलग से दिखाई देगा। अब इमेजेस में करना कुछ नहीं, आपको खाली फ़ोटो सेलेक्ट करना है एंड फ़ोटोज़ को अपलोड कर देना है। बट याद रखिएगा अगर फ़ोटोज़ को आपने रीनेम कर दिया, मान लीजिए जैसे कि अगर किचन है तो आपने किचन लिख दिया है फ़ोटोज़ का नाम में, एंड अगर बाथरूम है तो बाथरूम लिख दिया है, तो ऐसा ही आपको दिखाई दे देगा वेबसाइट के अंदर ही, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एंड डिस्क्रिप्शन वाले में ऐसे लिख दीजिएगा कॉल करने से पहले डिटेल्स अच्छे से पढ़ लेना, या फिर अपना नंबर भी आप यहाँ पे दे सकते हो। ऐसे में होगा क्या ना कि जब कोई यूज़र आएगा आपका ये ऐड देखेगा मेरे वेबसाइट में, तो वो नंबर तो खोजेगा ही, एंड नंबर जब वो खोजेगा तो डिस्क्रिप्शन वाला बटन को दाबेगा एंड डिस्क्रिप्शन में उसको दिखाई दे देगा कि यार पूरा डिटेल्स अच्छा से पढ़ लो, उसके बाद ही फ़ोन करो। जब लिखा हुआ रहेगा तो वो डिटेल्स अच्छा से पढ़ के ही आपको फ़ोन करेगा, एंड मोस्ट प्रोबेबली अगर आप ऐसे लिखोगे तो वो शिफ्ट कर जाएगा, क्योंकि पढ़ने वाले लोग थोड़ा सा होशियार होते हैं, उतना बुड़बक नहीं होते हैं, तो दिक्कत नहीं होगा। याद रखिएगा जैसे आप अपलोड का बटन दाबोगे तो आपको ऊपर में कितने चार्जेस लिए जाते हैं प्लस नीचे में पे का बटन आपको दिख जाए। डिटेल्स में अगर चाहिए होगा वीडियो, एंड अगर आप चाहते हैं कि वेबसाइट में भी कुछ नया चेंजेस किया जाए तो आप कमेंट में नीचे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चेंजेस कर दूंगा। एंड आपका रेंट कहीं पे भी हो, रेंटर आपको मिल जाएगा घर बैठे बैठे, दिक्कत नहीं है।